अब चलते हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी किसान महासम्मेलन में बिहार छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना, ऐसे श्रीमान विष्णु देव जी शाय, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज जी पांडे और सुश्री लता जी उसंडी और हमारे किसान मोर्चे के तेज तर्रार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी चाहर, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अरुण साव जी, और उप मुख्यमंत्री दूसरे हमारे श्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री राम विचार जी बेदाम और छत्तीसगढ़ सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ के सांसदगण, विधायकगण, अन्य पदाधिकारी, यौम इस सभा में मौजूद छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा हुआ और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जोहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी शायद बोल रहे हैं, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूं और साथ ही विष्णुदेव जी शाय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा हूं। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी शाय इतना अच्छा बोलते हैं, पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए कुछ विष्णुदेव जी शाय को मैंने देखा और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ वो जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मैं जानता हूं। और यानो एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। सरदार पटेल की एक कांस्य